ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं आप सभी बताऊंगा गाइस आप कुछ इस टाइप की फोटो का जो रिटच है गाइस वो अपनी फोटो में कैसे कर सकते हो। सो गाइस स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताऊंगा, तो गाइस आप लोग जो वीडियो को ध्यान से देखना एंड कंप्लीट वॉच करना ताकि जो आप सभी को मैं जो भी स्टेप बताऊं आपको एकदम इजीली समझ आए, ठीक है। तो गाइस आप लोग जो वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी गाइस अगर अभी तक आपसे वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो गाइस आप लोगों को जो अपनी फोटो को पहले लाइटरूम ऐप में ओपन करना है, एंड गाइस उसके बाद पहले हम क्या करेंगे, पहले अपनी इस फोटो का जो है हम साइज सेलेक्ट करेंगे, जो इंस्टाग्राम साइज है वो है 4:5, ठीक है। तो हम इसको लेंगे एंड इस वाले क्रॉप वाले ऑप्शन को लेंगे एंड इसको जो है हम यहाँ से मतलब कि थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेते हैं क्रॉप को, एंड यहाँ पे इतना मेरे को रखना है, इतनी फोटो चाहिए तो इतना, ठीक है। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे डन, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपको क्या करना, आपको जाना है स्लाइड वाले ऑप्शन में। आपको स्लाइड वाले ऑप्शन जाने के बाद जो है पहले तो इसका कॉन्ट्रास्ट है जो उसको आगे तरफ बढ़ाना है, क्योंकि हमें जो है अपनी फोटो करनी है डार्क। फिर मिलता है आपको हाईलाइट वाला ऑप्शन, आपको उसको माइनस करना हाईलाइट को, ठीक है, हल्का सा। एंड इसके बाद मिलता है आपको शेडो, तो शेडो को तो बढ़ा देना ताकि जो फोटो की डिटेल है जो कलर्स वगैरह वो वापस आ जाए। फिर मिलता है आपको व्हाइट, जो इसको माइनस करना है, जो ब्लैक है इसको भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको माइनस कर देना है, ठीक है, थोड़ा नहीं मतलब कि अराउंड कुछ कर देना 19 तक। फिर आपको जाना गया इस कलर वाले ऑप्शन में, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिएगा, देन आपको जो है वाइब्रेशन बढ़ाना है फोटो में, थोड़ा टेम्परेचर कम करना ताकि जो है थोड़ा ब्लू टोन फोटो में आ जाए। फिर आपको जाना कलर मिक्स में ऑरेंज कलर येलो कलर आपको सिलेक्ट करना है, इसका ह्यू आपको माइनस कर देना है, एंड जो उसका सैचुरेशन है इसको यहाँ पे आपको प्लस कर देना है, ठीक है। फिर उसका जाना आपको ग्रीन कलर में आपको उसका ह्यू माइनस कर देना है, एंड जो सैचुरेशन है इसको यहाँ पे थोड़ा प्लस कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपको ये करना, आपको जाना गया यहाँ से डार्क ब्लू में, अगर आपको अपनी पैंट का कलर नहीं चाहिए होगा तो आप इसका सैचुरेशन माइनस कर देना, अदरवाइज चाहिए होगा तो प्लस कर देना। बाकी जितने भी कलर है सबका सैचुरेशन माइनस कर देना आप सभी को। फिर उसका कर देना आपको अपनी फोटो को डन। फिर आपको जाना है गाइस जो 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं कलर मिक्स के बगल में, आप सभी को सिंपली इस पर क्लिक करना है आप सभी को, एंड आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, एंड उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है एक बारी, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो गाइस इसका सैचुरेशन इसको आपको पहले प्लस करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो येलो टोन में अपनी फोटो को यहाँ पे ले जाना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कलर देख लें, अगर आपको ब्लू कलर भी ठीक लगे तो वो भी रख लेना, बाकी हम यहाँ पे हमें गोल्डन टोन देना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे येलो रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपको जाना है जैसे मिड टोन में, आपको इसका सैचुरेशन पहले प्लस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे ह्यू बढ़ाना है, एंड इसको भी यहाँ पे आपको येलो टोन में रखना है, ठीक है, ग्रीन और येलो के बीच में। फिर आता है आपका गाइस यहाँ पे हाईलाइट, हाईलाइट को गाइस इसका भी सैचुरेशन आपको प्लस करना है, ठीक है, कुछ अराउंड इतना कर लेते हैं। एंड उसके बाद जिसका जो टोन है गाइस आपको यहाँ पे इसको देना है, यहाँ पे टोन दे देते हैं हम यहाँ पे इस पे ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू के आसपास, ब्लू और ग्रीन के बीच में, ठीक है। एंड इतना कर देने के बाद आपको करना है अपनी फोटो को यहाँ पे डन, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपको जाना है नीचे वाले टूल में, आपको गाइस यहाँ पे जो है पहले आपको यहाँ पे मिलेगा क्लियरिटी, आपको जो है फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, क्योंकि जो ज़्यादा मैटर करती है हमारी फोटो तो क्लियरिटी, तो उसको इंक्रीज करना है। फोटो में विग्नेट डालना है, ठीक है, अराउंड कुछ डाल देना 27 तक, अगर कम लगे तो आप बढ़ा लेना। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, मिलेगा आपको ग्रीन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है, एंड आपको जो फेदर वाला ऑप्शन है आपका जिसको भी यहाँ पे जो है प्लस करना है, ठीक है। एंड जो राउंडनेस है मतलब विग्नेट इसमें पहले और बढ़ा लेते हैं, एंड जो राउंडनेस है आपको इसको यहाँ पे इसको भी प्लस कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको जाना से नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे पहले बस सिर्फ फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, ठीक है, और कोई टूल नहीं छेड़ना है इसमें फोटो की शार्पनेस। एंड उसके बाद जाना आपको सिलेक्टिव टूल में, फिर यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे प्लस पे ये जो सर्कल वाला ऑप्शन है ये लेना है, एंड गाइस यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, एंड ऊपर की तरफ गाइस जैसे कि आपको दिख रही है लाइट्स वगैरह, आपको यहाँ पे सिंपली ले जाना अपनी फोटो को ऊपर, एंड उसके बाद एक्सपोजर में जाना है लाइट वाला ऑप्शन में, एंड यहाँ पे इसका एक्सपोजर जो आपको इंक्रीज कर देना है, ठीक है, मतलब कि जो वहाँ से जो ब्राइटनेस है वो आपके यहाँ पे पड़ रही है, आपको कुछ इस टाइप से दिखाना है, एंड जो है मतलब कि आपकी फोटो में जो एकदम गोल्डन टोन आपकी एकदम मस्त लगेगा, ठीक है, तो कुछ स्टेप्स ऐसे रख देना है। एंड गाइस देख सकते हैं आप जो हमारी फोटो है यहाँ पे एकदम कंप्लीट रिटच हो चुकी है, तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ पे बिफोर एंड आफ्टर, तो गाइस देखिए बिफोर एंड आफ्टर, तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे भी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।